हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वैलेंटाइन स्पेशल मार्बल केक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट है। प्लस इसे बनाने के लिए आपको बटर, बीटर या फिर अवन की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप इसे घर में बना सकते हैं। ये दिखने वाला बहुत ही खूबसूरत सा डिलीशियस केक, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। बस एक बर्तन चाहिए, कोई भी छोटा बर्तन आप ले लीजिए। हम इसे यूज़ करेंगे एज अ मोल्ड। इसको चारों तरफ से ऑयल से आप ग्रीस कर लीजिए। नॉर्मल ऑयल लिया है मैंने, चारों तरफ से लगाना है प्लस नीचे। अब एक चम्मच हम इसमें आटा डालेंगे, नॉर्मल गेहूं का आटा डाल सकते हैं और या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। चारों तरफ रोटेट करके पूरे अच्छे से इसको आटे से कवर कर लीजिए। अब एक बड़ा बर्तन लेंगे, बड़ा बर्तन हम अवन की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं। नमक डालेंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा। इसे अच्छे से हम फैला देंगे नमक को, ताकि हीट अच्छे से प्रोड्यूस हो और केक हमारा और अच्छे से बेक हो और फूले। ढक्कन इस तरीके से लगा दीजिए तो ये अवन बन गया। अब हम केक बना लेते हैं, केक का बैटर। इसके लिए हमें 4 एग व्हाइट चाहिए। हमने 4 एग्स हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। व्हाइट पार्ट आपको अलग करना है, येलो पार्ट आपको अलग करना है। इस तरीके से आप दोनों को अलग कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, एग को अपने हथेली में तोड़िए तो जो नीचे आपका वाइट पोर्शन निकल के आ जाएगा बाउल में और आपकी हथेली में येलो पार्ट रह जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो ये तरीका भी है। तो देखिए, हमने येलो पार्ट अलग कर लिया है, वाइट पार्ट अलग कर लिया है। वाइट पार्ट को हम क्या करेंगे, हैंड ब्लेंडर से बीट करेंगे। हमारे पास बीटर नहीं है तो हम हैंड ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं। आप मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, बट मेक श्योर उसमें प्याज की स्मेल ना हो, तो उसमें भी आप इस तरीके से बीट कीजिए। जब इलेक्ट्रिकल बीटर से हम बीट करते हैं तो ये एग है ना, फोमी बनता है। इसमें थोड़ा लूज बन रहा है, तो फिर भी हमारा केक आप देखिएगा बहुत अच्छा बनने वाला है। ये हम शुगर ऐड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ऐड करेंगे। 1 कप इसी हुई शुगर है, तो देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको डालना है और इसे बीट करना है। ये 2 से 3 मिनट हमने बीट करने के बाद हमने इसमें शुगर ऐड किया था। अब हम शुगर ऐड करने के बाद भी 1 मिनट तक अच्छे से इसे बीट करते रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, कितने अच्छे से झाग बन रही है। तो जितनी एयर अंदर जाएगी एग के, उतना ही हमारा केक फूलेगा, उतने ही इसमें बबल दिखेंगे। अब हम येलो पार्ट डाल देते हैं। येलो पार्ट डालने के बाद आप स्पून की हेल्प से आप इसे मिक्स कर लीजिए, नहीं तो हैंड बीटर होता है जो हाथों से फेंटते हैं, आप उससे भी इसको अच्छे से बीट कर सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 कप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल ऑयल है। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। अब सारी चीज़ हमने मिला ली है, इसे ये मेरे पास हैंड बीटर है, हम इसे अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। आपको 1 मिनट तक लगातार इसको बीट करते रहना है, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल हाई स्पीड के साथ आप बीट कर सकते हैं। अब हम फ्लेवर के लिए एसेंस यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल है ये एसेंस, वनीला एसेंस। 1 टीस्पून आपको यूज़ करना है इसमें, तो 1 चम्मच आप डाल सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से अभी आप डाल सकते हैं। 1 कप मैदा है ये, मैदा हम सीवर में डाल देंगे। इसमें हम डालने वाले हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच है बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच हम यहाँ बेकिंग सोडा इस्तेमाल करने वाले हैं। अब अच्छे से इसको सीव कर लीजिए आप, ताकि छनके ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, प्लस छनका नीचे आ जाएगा तो जो लम्स वगैरह आटे के हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे। तो हमने इसको सीवर से सीव कर लिया है। अब हम इसको मिलाते हैं। मिलाते समय हमें ये देखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल केक के बैटर की तरह, बिल्कुल लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा मिक्सचर थिक है, काफ़ी गाढ़ा है, तो आप दूध ऐड करेंगे। तो पहले हम इसे मिला के देख लेते हैं किस तरीके का बनकर आया है। कई बार एग का साइज़ अलग होता है, कई बार ज़्यादा होता है लिक्विड पार्ट, जिससे बैटर अच्छे से बन जाता है, कई बार नहीं बन पाता है। पहले मिक्स कर लेते हैं। देखिए, अच्छा सा हो चुका है। अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 1 पार्ट को हम कलर करने वाले हैं, इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नहीं तो आप नॉर्मली डायरेक्ट इसे मोल्ड में डाल सकते हैं। अब हम इसमें पिंक कलर यूज़ कर रहे हैं, जिसे रेड कलर चाहिए वो रेड कलर यूज़ करेगा। पहले थोड़ा सा कलर डाल के हम अच्छे से मिक्स करके देख लेते हैं कि कौन सा डिज़ायरेबल कलर आपको चाहिए। तो देखिए, इसे मिक्स करके हमने इस तरीके से देख लिया, तो हमें लग रहा है थोड़ा सा और कलर होना चाहिए, तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया। अच्छे से दोबारा इसे मिला लीजिए और देखिए कि जो कलर आपको चाहिए उस तरीके का कलर आया है कि नहीं, नहीं तो हम थोड़ा सा और ऐड करेंगे। तो ये अच्छा सा काफ़ी कलर आ चुका है, तो हम इसे अब रख देते हैं। अब इस तरीके से आपको मोल्ड में डालना है। पहले पिंक पार्ट डाला 1 टीस्पून, फिर इसी के ऊपर हमने ये नॉर्मल वाला पार्ट डाला, फिर पिंक डालेंगे, फिर नॉर्मल वाला डालेंगे। इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस आपको करते रहना, जब तक बैटर ख़त्म ना हो जाए दोनों बर्तन का। देखिए इस तरीके से, तो काफ़ी अच्छे से आपको डिज़ाइन दिख रहा है। आप टूथपिक की हेल्प से आप इस तरीके का पैटर्न ऊपर दे सकते हैं। 1 साइड आपको बाहर जाना है, 1 साइड अंदर की तरफ आना है, तो इस तरीके से आगे पीछे करना है, नहीं तो आप अंदर की तरफ भी डायरेक्ट जा सकते हैं। देखिए इस तरीके से पैटर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप शेकी पैटर्न भी बना सकते हैं इसको, बिल्कुल रैंडम इस तरीके से आप टूथपिक से कर सकते हैं।
अब ये हम चारों तरफ आटा लगा रहे हैं ताकि जो हम इसे पतीले को कवर करें तो एयर बाहर ना आए, तो हम चारों तरफ आटा लगाने से वो अच्छे से चिपक जाएगा और इसमें जगह नहीं रहेगी एयर को बाहर आने की, तो केक हमारा अच्छे से बेक होगा। 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट कर लिया है इस पतीले को। अब हम मूल डाल देते हैं जिसमें हमने केक का बैटर डाला था, इसको हम कवर कर देते हैं उस ढक्कन से जिसमें हमने चारों तरफ आटा लगाया था। अब आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल चारों तरफ से ये चिपक गया है और एयर बाहर आने के चांसेस नहीं है। बेक करते हैं हम 45 मिनट्स बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। अब थोड़ा सा खोल के देखते हैं। ओह माय गॉड, केक बहुत अच्छा फूला है, देखिए इस तरीके से। आई थिंक इसमें ओवन में भी इतना अच्छे से फूल नहीं सकता जितना अच्छे से इसमें फूल गया है। तो आप नॉर्मली इसे आराम से बना सकते हैं घर पे इस वैलेंटाइन स्पेशल डे पर, और ये नॉर्मली सारे लोग बना सकते हैं, कई घरों नहीं होते हैं ओवन तो वो भी इसे बना सकते हैं पतीले में। टूथपिक से हम चेक करते हैं, देखिए क्लियर आ गया है। अगर आपका टूथपिक क्लियर नहीं आ रहा है तो आप बेक कर सकते हैं 10 मिनट्स के लिए, और ढक्कन लगा कर ठंडा कर लिया हमने। अब साइड्स हम रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हमने इसमें बटर पेपर नहीं इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसे आने में, इसलिए आपको ठंडा करना। अगर आप गर्म को इस तरीके से निकालेंगे तो टूट सकता है केक, तो हमने ठंडा कर लिया है। ऊपर से हम इस तरीके से टैप कर देते हैं ताकि वो आराम से निकल आए। तो देखिए निकल के आ चुका है, ये काफ़ी अच्छे से बेक हो चुका है, नीचे से देखिए जला भी नहीं है। इसे टर्न करके आपको दिखा देती हूँ, तो पैटर्न आप देख रहे हैं ना सेंटर पर आ गया, तो इस तरीके का मार्बल पैटर्न है और देखिए कितना सॉफ्ट बना है। अब हम कट करके इसे अंदर से देख लेते हैं कि अंदर का पैटर्न कैसा है, प्लस जाली आई है कि नहीं। तो इस तरीके से मैं वन पीस आपको निकाल के दिखा देती हूँ तो किस तरीके का आता है। सो देखते हम, वाओ बहुत अच्छा आया है, आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से पैटर्न आया है, प्लस कलर बहुत अच्छा आया है इसका अंदर से। तो इस तरीके का केक आप ज़रूर बनाइए अपने घर में, इतना सॉफ्ट केक है, प्लस मार्केट के केक से ये बहुत ही चीप है, मतलब सस्ता है, और ये टेस्टी भी बहुत है, प्लस देखने में इतना खूबसूरत है। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही बेमिसाल वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। हम नई नई वीडियोस के साथ ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।